और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। छत्तीसगढ़ में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनता नजर आ रहा है। बीजापुर के लिए और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश के साथ ही बिजली गिरने की भी आशंका है और 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर, जहां छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। छत्तीसगढ़ में स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और बीजापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अन्य इलाकों में भी तेज बारिश होने के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक और ज्यादा बारिश की आशंका व्यक्त की है। और साथ की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 एमपी छत्तीसगढ़। नमस्कार। के दौरे पर रहेंगे सीएम साहब, पोला महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। बता दें आपको कि मढ़िया पारा गांव में एक कार्यक्रम होना है और मुख्यमंत्री यहां पहुंचेंगे और रायपुर में सीएम हाउस में भी पोला त्यौहार मनाया जाएगा। पोला महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री विश्वदेव साय खुद पहुंचेंगे और पोला महोत्सव कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। और ये पोला महोत्सव सीएम आवास पर भी मनाया जाएगा। सीएम हाउस में भी पोला त्यौहार की रौनक देखने को मिलेगी। आज दुर्ग के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं और यहां पोला त्यौहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। आज उनके जो शेड्यूल में ये पोला त्यौहार कार्यक्रम का समय है और तय समय पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। इससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार विदिशा पहुंचे। पंजाब मेल ट्रेन से पहुंचे शिवराज का स्टेशन पर जोरदार स्वागत किया गया। शिवराज के साथ पत्नी साधना सिंह थी। प्रभारी मंत्री और स्थानीय विधायक भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खेतों में पहुंचे और फसलों को भी देखा। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा के मढ़ी चौबीसा में सोयाबीन की फसल को देखी और किसानों से चर्चा की। किसानों ने फल में फली कम लगने की समस्या से केंद्रीय कृषि मंत्री को जानकारी दी। सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है। जनता का मैं आभारी हूँ इस आशीर्वाद के लिए और मन में संकल्प एक ही है कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, एनडीए की बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी मोहन जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज ही हम विदिशा में एक बैठक कर रहे हैं।